असेंबली में बैठ के भी इसी बलूचिस्तान, इसी मजलूम, इसी लाचारों का आवाज़ वहाँ पे भी रिकॉर्ड करा रहे हैं, और रोडों पे आके हमारा भी यही फ़र्ज बनता है इसरो के साथ बैठ के हमदर्दी हवाले पे कि भाई हम लोग आपके नुमाइंदे हैं, आप लोगों का जो आवाज़ जिस फोरम में होता है हम लोग इंशाल्लाह आपको चला देंगे, आप लोगों का आवाज़ वहाँ तक पहुँचा देंगे। क्योंकि चमन हो, पहले भी मैंने जिक्र किया, चमन भी हमारे भाई हैं, वहाँ की भी मुसलमान भाइयों के साथ हमदर्दी हमारे साथ है, 6 महीना 7 महीना वो भी बैठे हैं रोडों के ऊपर, और इसी तरह अभी माशकिल भी इसी हवाले पे आ गया, इस तरह आपका थुरबत है, ग्वादर है, पंजगुर वाले भी मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले उस लोगों ने भी अपना एहतजाज किया सीपेक रोड पर। तो दरअसल ये बात पूरा बलोचिस्तान में आप देख रहे हैं, चाहे आपके ईरान का बार्डर हो चाहे अफगानिस्तान का बार्डर हो, बलोचिस्तान का जरी माश ही बार्डर के हवाले पे। आप ये बार्डर जब बंद करेंगे आप अल्टरनेट आवाम को क्या देंगे? आपने अल्टरनेट कोई सोचा नहीं है। आप यहाँ पे बार्डर बंद करने अल्टरनेट बंदे भूख से, प्यास से, गुरबत से मर जाएं, मगर आप कहते हैं बस ठीक है मैं बार्डर बंद। बार्डर से क्या आ रहे हैं? बार्डर से खुदा न खासा गलत काम नहीं आ रहे, ये बार्डर चमन बार्डर से या गाड़ियाँ आ रहे या कोई और घरेलू सामान आ रहे, आपका ईरान बार्डर है वहाँ से खुर्दनोश का अशिया आ रहे हैं, कोई और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वाले पे देखा जा रहे, बार्डर तो यही चीज़ें आ रहे हैं। तो इस चीज़ों में बाकायदा हम नहीं कहते हैं बार्डर में जो हमारे चाहे एफसी हो, चाहे लेवीज हो, चाहे पुलिस हो, वो बार्डर में बैठे गेट के जरिए, अगर खुदा न खासा कोई और काम हो रहा है, कोई और चीज़ हो रहा है, उस लोगों को रोके। जो इस तरह के खुर्दनोश का अशिया हो, चाहे और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के वाले पे, वो कम से कम ये बार्डरों के वाले पे खोला जाए। आपने आपको पता है फैक्ट्री इंडस्ट्री बलोचिस्तान में तो खासतौर पर ये 4-5 डिस्ट्रिक्टों में तो नहीं है। तो अगर आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाशुक तहसील माशकिल, वो टोटल माशकिल का नाम है, असल टोटल डिस्ट्रिक्ट वाशुक और रक्षान, खाली इसमें वाशुक और माशकिल नहीं आ रहे, रक्षान के 4 डिस्ट्रिक्ट के वो सारे मुतासर होंगे उसमें। तो वहाँ पर अल्लाह आपको जजाय खैर दे दें, हज़ारों नहीं लाखों के बंदे बेरोज़गार हो जाएंगे। जब लाखों बंदे बेरोज़गार हो जाएंगे आप खुद सोच लगे ये बंदे फिर क्या करेंगे, ये लामाल खुदा न खास्ता आप उस लोगों को मुलाजमत नहीं देंगे, आप उस लोगों को कोई अल्टरनेट कोई सोच नहीं लगाएंगे, खुदा न खास्ता ये कल अगवा बराए तावान इसी पेट के खातिर, अगवा बराए तावान, चोरी, डकैती, राजनी, ये सारा फिर मजबूर होकर इसी पेट और इसी बच्चों के खातिर ये कर ले। मैंने उस दिन असेंबली फोरम में जो लास्ट सेशन था, तो मैंने 5 पब्लिक में मैंने स्पीकर साहब को कहा कि जब उस टाइम ये जो निकल रहे थे माशकिल की तरफ, कोटा की तरफ निकल रहे थे, कायदे अवान भी बैठा था वज़ीर आला, मैंने स्पीकर को यही बताया कि स्पीकर साहब आप तमाम 65 के अराकीन बशमूल कायदे अवान बैठा हुआ है, मेरा बात सुन लें, मेरे माशकिल डिस्ट्रिक्ट वाशुक के हज़ारों बंदों वहाँ से पैदल मार्च निकल के कोटा की तरफ आ रहे हैं, उदारा ये 4-5 पॉइंट उस लोगों का है, ये मसले हल करें। तो स्पीकर ने कायदे ऐवान को कहा, तो कायदे ऐवान वज़ीर आला साहब ने कहा कि ठीक है वो आ जाए बैठ के बात करेंगे। तो अभी ये लोग आ गए, गवर्नमेंट हो चाहे वज़ीर आला, यहाँ पे नहीं है, आउट ऑफ कंट्री है, उसके यहाँ पे मिनिस्टर कैबिनेट के मेंबर आए हैं, यहाँ पे आके हमारे बंदों से पूछे, उस लोगों के 3-4 पॉइंट है वो हल करके, ये जो धरना यहाँ पे प्रेस क्लब में है उसको क्लोज करें, 1 महीना वहाँ पे बैठा नहीं सुना, अभी यहाँ पे आए, किस लोगों का भी आवाज़ कैपिटल, कोटा कैपिटल है, बलोचिस्तान का पायतख्त है, किस लोगों का आवाज़ सुन, किस लोगों का मसला हल के, पूरी यकीन दहानी करा, किस लोगों को वापस भी।